पिछले दिनों बायसी में हुए सड़क दुर्घटना में मृतक तंजील और घायल सरफराज के परिजन से अमर विधायक अतरुल इमाम और जदयू के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम मिलने पहुंचे और दुख संवेदना व्यक्त किया। इस घटना में घायल सरफराज की हालत अब भी गंभीर है, डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया है। वहीं नेताओं ने परिजन को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं अमर विधायक ने इस घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। बायसी से सिटी हलचल के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। देखिए एनएच में खासकर उन जगहों पर जहां मार्केट्स हैं वहां पर ट्रैफिक पुलिस का इंतजाम होना चाहिए। तेज गाड़ियां दौड़ती हैं और बाजार में भीड़ रहती है, ऐसे वक्त में प्रशासन की लापरवाही से इस तरह के हादसात हो रहे हैं। बेटियों का सुहाग उतर रहा है, माँ का गोद खाली हो रहा है, बच्चे यतीम हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं से सरकार है और इन लोगों को फौरी तौर पर मुआवजा दिलवाए। हम लोग इसका मुतालबा करते हैं, आइंदा इस तरह की घटना न घटे, प्रशासन उसके लिए ट्रैफिक पुलिस का इंतजाम करे, ये हम लोग का मुतालबा है। अच्छा, ऐसा एक और देखा गया कि रात में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, लोग परेशान थे। ये सब कुछ नीतीश सरकार की जन विरोधी कानून, जन विरोधी जो चरित्र है उनका, उसका नतीजा है। ये जिम्मेदारी बनती है लोकल पुलिस वालों की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, कि इस तरह का कहीं भी हादसा हो तो फौरी तौर पर एम्बुलेंस मुहैया कराया जाए। इतने बड़े अस्पताल में एक ही एम्बुलेंस है, तीन एम्बुलेंस का डॉक्टर तक नहीं है, डॉक्टर तक भी नहीं है। इसके लिए आप लोग की तरफ से क्या कार्रवाई है? कि हम लोग बात करेंगे प्रशासन से और हम लोग रातों दिन सरकार की इस किसी नाकामियों को लोगों के सामने मिलाते रहते हैं। बहुत सारे जो लोग कहते हैं कि माई समीकरण की सरकार बन गई है, गरीबों का भला होगा, कोई भला नहीं हो रहा है। चाल चलित्र चेहरा बीजेपी और इन लोगों के दरमियान में कोई फर्क। पेशेंट हैं उनको क्या मदद कर सकते हैं आप? अभी जो सड़क यहाँ हम लोग आए कल सड़क दुर्घटना में एनएच पर एक तंजील बाबू जो मोहम्मद मुश्ताक के बेटे हैं जो हरेरामपुर गांव हरिदपुर पंचायत, और दो लड़के बहुत गंभीर रूप से जख्मी हैं, तो उनका पूर्णिया में इलाज चल रहा है। एक को जो सरफराज बाबू अभी घर ले गया है और उसका मुंह का जबड़ा वगैरह टूट गया है, तो उसको इलाज के लिए फर्दर बाहर ले जाने की ज़रूरत है। उसमें हम लोगों की तरफ से जो भी होगा, तो शाहिद साहब हैं जिला अध्यक्ष हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पप्पू बाबू हैं, ये लोग जो हम पहल करेंगे, हम लोग भी पहल करेंगे। और अभी सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को है कि पूरब चौक और पश्चिम चौक के भी इतनी भीड़ होने के बावजूद ना बैरिगेटिंग है ना पुलिस की कोई सिपाही रहते, इसके लिए आप क्या व्यवस्था करवाएंगे? इसके लिए हम लोग जो ट्रैफिक सेफ्टी रोड सेफ्टी पर एक कमेटी है जिसके अध्यक्ष जिला पदाधिकारी होते हैं कि कहाँ कहाँ पर वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जहाँ दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं, वहाँ पर प्रिकॉशन के तौर पर मेजर लिए जाएंगे। जब बैठक होगी हम लोग लिखित रूप से जिला पदाधिकारी को जिन स्थलों पर ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं वो लिखित तौर पर देंगे, ताकि बैठक में एक निर्णय लेकर वहाँ पर जो साइन बोर्ड वगैरह और जो भी प्रिकॉशन मेजर है वो लिया जाए, ताकि भविष्य में दुर्घटनाएं कम हो। क्योंकि बायसी में बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है और एनएच जो बना है बहुत ही बेतरतीब, कहीं पे कुछ, इस वजह से आए दिन सब घटना होते रहता है। हम लोग खासकर मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि बायसी में कई जगह खतरा हमेशा बरकरार रहता है, हो सके तो अंडरपास ग्राउंड जो बनते हैं वो बनवाएं या गोल चक्कर जो होता है वो बनवाएं, ताकि ये सब घटना दोबारा ना हो, किसी के घर का चिराग ना बुझे। जो डेट के उनका क्या नाम था पूरा? उसका नाम मोहम्मद तंजील, पिता मोहम्मद मुश्ताक। उनकी शादी अभी लगभग एक डेढ़ साल पहले हुई थी, एक बच्ची है। अब क्या उसका कैसे सहारा होगा, हम लोग सोच के बहुत ही अफसोस आ रहा है हम लोगों को, ऐसा घटना भगवान या अल्लाह दोबारा ना दिखाए। अच्छा, इसके अलावा भी दो लड़के थे, उनका क्या स्थिति है अभी? उनका भी पोजीशन बहुत ख़राब है, अभी पूर्णिया में इलाज चल रहा है, दो चार ऑपरेशन होना है उन लोगों का, अल्लाह के भरोसे वो लोग भी है, देखिए आगे क्या होता है। अपना परिचय दिया मोहम्मद जुबैर, पंचायत समिति हरिमपुर। द न्यू एरा ऑफ स्टाइल बिगिंस नाउ, दिस इज द बोल्डली स्टाइलिश होंडा एलिवेट। बुकिंग्स ओपन।
दूल्हा दुल्हन की सपनों की सजावट के लिए शॉपिंग का एक ही नाम द बिग शॉप। आकर्षक वेडिंग कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, शेरवानी, साड़ी, कंप्लीट लेडीज वेयर, मेंस वेयर और किड्स वेयर। कालीबाड़ी रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया।